गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आपसे मिल पा रही हूँ। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सॉन्ग जिसे मैंने लिखा है और गाने का कोशिश किया है, जो कि मैंने जेनेसिस उत्पत्ति से मैंने उस गीत को बनाया है कि परमेश्वर ने अपनी रचना को कैसे किया। उनका सिर्फ एक वाणी ही काफ़ी था और जैसे वो बोलते गए वैसे ही होते गया। सो बहुत खूबसूरत गाना है और मैं और मेरा पूरा टीम हम लोग जा रहे हैं शूटिंग के लिए और एक बहुत प्यारा सा लोकेशन पे हम लोग जाने वाले हैं। आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए इस ब्लॉग पे, आपको देखने को मिलेगा कि हमारा झारखंड कैसे खूबसूरत है। ओके, बने रहिए हमारे साथ। से हाय। पूरा टीम आ चुका है, देख रहे हो आप लोग सुंदर सुंदर बनके। सब लोग एक्साइटेड है। वैसे हम लोग टाइम से थोड़ा लेट हुए हैं बट फिर भी देखते हैं, निगेटिविटी नहीं लाना है मन में और पॉजिटिव लेके चलना है, सब अच्छा होगा। उतना भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी बच रहा है 8 और कोशिश है कि हम लोग 8:30 तक स्टार्ट कर ले अपना शूटिंग। तब तक बने रहिए हम लोग के साथ में जब तक हम लोग शूटिंग स्पॉट में नहीं पहुंचते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट है आज का शूटिंग का। सो ये है लोकेशन हमारा आज का, इस लोकेशन पे शूट होने वाला है। ये गेतलसुर डैम रांची का, अगर आप रांची आते हैं तो आप ज़रूर आए इधर घूमने के लिए, बहुत प्यारा जगह है। सारे लोग रेडी हो रहे हैं उधर। गेहूं का खेत जो पका नहीं है अभी। हम भी स्टार्ट करने वाले हैं शूट, अभी टाइम हो रहा है 8:30, ऑलमोस्ट 9 बज ही गया है बट हो जाएगा जल्दी जल्दी। यहाँ हम लोग को 9 के साथ भी शॉट लेना है, खेती के साथ लेना है, फूल के साथ भी लेना था बट वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ऐसे टाइम में आए हैं कि सरसों का फूल ख़त्म हो चुका है बट सो के कोई बात नहीं, बाकी देखिए कैसा शूट करते हैं हम लोग। अभी कोरस और एक म्यूज़िक का पार्ट्स ख़त्म हो चुका है, अभी जा रहे हैं। रोशनी बताइए कि कहाँ जा रहे हैं। आगे हम लोग सोचे कुछ खा लेते हैं और लंच करने के बाद फिर हम फिर से आगे फिर शूट करेंगे। सारे लोग थके हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट शूट। इधर है ब्रदर सागर, हाई। उनका हंसने का तरीका बहुत ही एकदम यूनिक है, चाहेंगे कि हंस के सुनाइए आप और ऐसा हंसेंगे कि सबको हंसा देंगे। मुझे विश्वास है कि आपके चेहरे में भी हंसी जरूर आई होगी, हो सके आप दुख में होंगे लेकिन एक बार के लिए आप जरूर आपके चेहरे पे मुस्कान आई होगी। असिस्टेंट कैमरामैन है और बहुत हेल्पर है, बहुत हेल्प करते हैं हम लोग को। बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं खाने के लिए और देखते हैं क्या मिलता है खाने को और उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। एनर्जी एनर्जी तो तब तक के लिए आप एक छोटा सा क्लिप देखिए, एंजॉय करिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा।
मन आनंद से भर जाता है। हाँ, का बोलना है कि झारखंड बहुत अच्छा है। अगर आप लोग झारखंड के बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं और कभी आना चाहते हैं झारखंड, तो ज़रूर आइए। बहुत अच्छा अच्छा जगह है, उसमें से केतलसुर है जो कि जिसमें हम लोग शूट कर रहे हैं, और पहले भी हम लोग इस लोकेशन पर बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं, जैसे कि ये शुमल संगी कर प्यार बन ये सब गाना इधर शूट हुआ है। बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम लोग बाहर बनाते हैं। क्या बोलते हैं, रास्ते के किनारे मतलब पेड़ जब होते हैं तो वो खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो देखने में और भी ज़्यादा यही वाला रंगला पंजाब, यही है वो रेस्टोरेंट जहाँ हम आने वाले हैं, जहाँ पिछले बार भी खाए थे और काफी अच्छा था खाना। रंगला पंजाब, पंजाबी लोगों का है, और जब पिछले बार आए थे इस रेस्टोरेंट में तो ये लोग बहुत खुश हो गए थे, और ये लोग बोल रहे थे कि आप भी ट्राई करिए फिर वहीं के लिए। कहाँ पे फोटो सेल्फी की फोटो शूट नहीं, वहीं जाते हैं बड़ा वाला। प्रभु जी आपका दस परमाशन से ग्रहण करके प्रभु आपके नाम से कृपा परमेश्वर हम फिर से बल पाए और आगे के हरे कार्य हरे बातों को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, फिर से पिता दुर्गुना एनर्जी के साथ कृपा परमेश्वर हमसे भाग के प्रभु आपके नाम मैम। एंड ये है हमारा सेकेंड लोकेशन इस तरीके का, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है बिकॉज पानी वाला ही एरिया है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इस पर हम लोग अभी करेंगे, काफ़ी ज़्यादा धूप है, डायरेक्ट फेस पे मार रहा है क्योंकि अभी दिन का 1:30 बज रहा है, और अभी जा रहे हैं पानी के साइड का पार्ट्स लेना है। हाँ होगा शायद इसमें, शायद होगा इसमें। हाँ हाँ आइए भैया, यहाँ तो शूट किए होंगे ना भैया, इसीलिए बहुत शूट होता है। एक बार हम लोग आए थे उस टाइम भी, एक सरहुल की कौन सा गाना अच्छा, तो खूबसूरत तो लग रहा है, देखते हैं आगे जा करके। बैक कैमरा से दिखाते हैं, पानी से यहाँ भी भरा। हाँ जंगल है और फिर ये पानी है, तभी का जो लोकेशन था वो गेतलसुद का उस साइड का था, दूसरे साइड का, अभी दूसरे साइड से आ रहे हैं, और इसका तीसरा साइड भी है जहाँ पे शूट हो चुका है। काफ़ी बड़ा डैम है और बहुत जगह से लोग जाते हैं, घुसते हैं, एंजॉय करते हैं। एक्चुअली हम लोग को फूल वाला लोकेशन चाहिए था क्योंकि सॉन्ग में है रंग बिरंग फूलों से सजा ले, रंग बिरंग तो यहाँ पे नहीं मिल रहा, बट बट एक रंग का है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मेरे को नहीं पता क्या नाम है ये फूल का जो कि इस पेड़ में है। नाइस लोकेशन, बहुत ही प्यारा है, कैमरा सेट हो रहा है और डांसर्स अभी उधर ही हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं तब तक लिपसिंग का हो जाए उनके आने तक, और जल्दी जल्दी करके ख़त्म करना है क्योंकि सिर्फ एक दिन में शूट कंप्लीट करना है पूरा गाना का।
से ही करना पड़ता है। तो इस टापू में डांस करके कैसा एक्सपीरियंस रहा? चारों तरफ पानी है और आप टापू में हैं। यू हम लोग ऐसे जूते उतार के साड़ी साया ऊपर करके और यू कांधों में जाते जाते डर भी लग रहा था। बहुत ही अच्छा लोकेशन है और रिस्क लेकर के आए हैं, ऐसे जगह से आप लोग को दिखा रहे हैं। ये रहा, ये पूरा दलदल है और इस जगह से हम लोग आए। बट दीदी हाँ नहीं खोले हैं क्या चीज़? हाँ खोल लेंगे। ऐसे ऐसे जगह से आए थे, रिस्क लिए, बेकार नहीं गया मेहनत, और हम लोग अच्छे से करके वापस जा रहे हैं। क्या बोलते हो? ये मैं हूँ और ये मेरा टीम है और यहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा है, आप देख सकते हैं, रिस्क लेके आ रहे, नहीं पता किधर से सांप निकलेगा। अरे नहीं निकलेगा बाबा। काफी मजेदार सफर है नाव का। ये हमारा लास्ट का शूट है और सबसे ही अच्छा शूट का पार्ट है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा डर भी लग रहा है बट डर भी है। ओके, इधर हमारे नाव वाले भैया जो काफी मेहनत करके हम लोग को लेकर के गए, थैंक यू भैया। और ये है हुए हैं काफी अच्छा। मेरा भी छिटका रही है। फाइनली कंप्लीट हो गया शूटिंग और बहुत अच्छा कोऑपरेटिव टीम रहा, इसलिए सब कुछ अच्छा से हो गया। डर क्या जीत है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा ये वीडियो बनेगा। परमेश्वर की रचना के बारे में जिक्र किया गया है इस गाना में और पूरा देखिएगा कि पूरा अलग अलग रचना आपको देखने को मिलेगा, पानी का, भूमि का, खेत का, फूल का, अलग अलग तरीके का। तो इंतज़ार करिए, वीडियो वहाँ जल्दी आने वाला है। आई थिंक नेक्स्ट मंथ 9 अप्रैल को प्लान है रिलीज करने का, बट प्रेयर करिए कि एडिटिंग एंड सब कुछ का काम अच्छे से हो जाने पाए। बाय बाय। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।